तो तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं 300 पार। कौन से उनके द्वारा ऐसे काम किए गए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन्हें 300 पार पहुंचाएगी। देखिए हम लोग कितने आराम आराम से अपना काम कर रहे हैं, बेचैनी तो उनकी बढ़ी हुई है जो कभी कहते हैं कि हम 300 पार आ रहे हैं, कभी वो सरकार बनाने चलते हैं, बेचैनी उनकी बढ़ी है जो बेतुकी बातें कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता थे आदरणीय श्रद्धे श्री सुशील कुमार मोदी जी, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। तो अब बताइए, किसी के पार्टी का इतना बड़ा नेता जिसकी आकस्मिक मौत हो जाए और वो श्रद्धांजलि ना दें और श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तो मैं तो उनका तारीफ करती हूँ। सवाल किसका है बताइए, जनता कर रही है या विपक्ष कर रहा है? तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही होता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनके खिलाफ, उनके विरोध में बोलना, झूठ सच उनके ऊपर लांछन लगाना। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, देख रहे हैं 1924। देश भर में आज 5वां चरण का चुनाव हो रहा है। 8 राज्यों के 49 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, वहीं बिहार में 5 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी और सारण में मतदान हो रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता प्रतिभा सिंह है। मैम, आज 5 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, क्या रुझान है अब तक की आप लोगों की? देखिए, जिस तरीके से दोनों सरकारों ने, राज्य की सरकार आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है जनता के लिए, हमें पूरा विश्वास है कि जनता का अपार समर्थन और बहुमूल्य वोट हमें मिलेगा, एनडीए को मिलेगा जी। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस बार हम लोगों का 300 पार होने वाला है। कहाँ से 300 पार हो गए? अच्छा, अब वो स्वप्न देख रहे हैं दिन में ही, देखने दीजिए। चूँकि सोचने की आज़ादी, उड़ान भरने की आज़ादी तो सबको है ना, तो तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं 300 पार। कौन से उनके द्वारा ऐसे काम किए गए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन्हें 300 पार पहुंचाएगी। बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं। क्या एनडीए खेमों में बेचैनी बढ़ गई है इस बार? एनडीए खेमे में क्यों बेचैनी? देखिए हम लोग कितने आराम आराम से अपना काम कर रहे हैं, बेचैनी तो उनकी बढ़ी हुई है जो कभी कहते हैं कि हम 300 पार आ रहे हैं, कभी वो सरकार बनाने चलते हैं, बेचैनी उनकी बढ़ी है जो बेतुकी बातें कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री आज फिर बिहार के 7वें दौरे पे आ रहे हैं? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी जिस दौरे पर आ रहे हैं जी, वो सब लोग जानते हैं जी। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता थे आदरणीय श्रद्धे श्री सुशील कुमार मोदी जी, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं जी। तो अब बताइए, किसी के पार्टी का इतना बड़ा नेता जिसकी आकस्मिक मौत हो जाए और वो श्रद्धांजलि ना दें और श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तो मैं तो उनका तारीफ करती हूँ कि कम से कम उन्होंने अपने नेताओं को मान दिया और इस भीड़ भाड़ वाले समय में, चुनावी समय में वो दोबारा आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चुनावी टाइम आते ही प्रधानमंत्री मोदी जनता को गुमराह करते हैं और जनता के झूठ का वादा वो देते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये किसकी आवाज़ है, जनता की या विपक्ष की? सवाल किसका है बताइए, जनता कर रही है या विपक्ष कर रहा है? तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही होता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनके खिलाफ, उनके विरोध में बोलना, झूठ सच उनके ऊपर लांछन लगाना। तो वो अपना काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि उन्हें सीटें नहीं मिल रही हैं, वो अनाप शनाप वो बौखलाहट में बोल रहे हैं। एनडीए का कोई नेता बौखलाहट में कुछ बोल रहा है क्या? तो हम आश्वस्त हैं कहीं ना कहीं कि हमने जनता के लिए इतना काम किया है कि जनता का हमें अपार समर्थन और उनका कीमती वोट मिल रहा है और फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार। लालू प्रसाद यादव हैं राज्य सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि जनता के समक्ष प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो उन्हें बहुत अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। मतलब मोदी जी झूठ बोलकर उन्हें सुख की अनुभूति होती है, लालू जी खुशी होते हैं?
सुखी अनुभूति प्रधानमंत्री जी को होती है, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं। और जिस समय उनका शासन था बिहार में, लोगों का अपहरण करके उन्हें कितने सुख की अनुभूति होती थी ये बता देना, लोगों से फिरौती लेकर के वो कितना सुख की अनुभूति करते थे वो भी जरा बता देना। अरे भाई प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, फलाना झूठ बोल रहा है, लालू जी अपने कार्यकाल को क्यों नहीं याद करते हैं? एक बार याद कर लें, और याद ही क्या करना, आज का जो यूथ है, जो 20 साल 22 साल के लड़के हैं जिन्होंने लालू जी के कार्यकाल को नहीं देखा, मैं तो दावे के साथ कहती हूँ लालू यादव जी आप अपने उस कार्यकाल के ना में जो किए गए काम हैं उसको यूथ के समक्ष रख दीजिए, फिर यूथ निर्णय लेगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 सीटों के ऊपर मतदान हो रही है प्रदेश में, हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, और ये लोग जो दिन में स्वप्न यानी सपना देखते हैं कि 300 पार कभी सरकार बनाने लगते हैं, ये लोग दिन में सपने देखते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान और तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों को इन्होंने एक एक करके खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जब शासन में किस तरीके से जनता यहाँ बेचैन रहती थी, रात में नींद और दिन में नींद उड़ जाती थी जनता के, किस तरीके से अपहरण भ्रष्टाचार के मामले बिहार में सामने आते रहते थे उनके सत्ता में, हमारे नेता ने प्रदेश के विकास के लिए ही काम किया है और काम करते रहेंगे निरंतरता। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।